तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बीटा रोम की वीडियो बनाकर देता हूँ और उसमें बताता हूँ क्या क्या नए फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये अपकमिंग फीचर्स हम लोगों को MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम में इस वीक देखने को मिल सकती है या फिर आने वाले किसी भी अपडेट में देखने को मिल सकती है। सारी जानकारी गाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो मेरे साथ आज इस वीडियो में आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने रेडमी नोट 7 प्रो में MIUI 10 की बीटा रोम को यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जिसका वर्जन देख सकते हैं 9.5.22। तो मैं इसे डार्क मोड को यहाँ से रिमूव करके आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने रेडमी नोट 7 प्रो की डिवाइस में MIUI 10 की बीटा वर्जन 9.5.22 को यूज़ कर रहा हूँ, जिसके रिगार्डिंग मैंने अपने कम्युनिटी पेज पर मैंने इसके रिगार्डिंग पोस्ट भी की थी और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, जिनमें से हसन मुगल जी हैं, वो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, वो हमारी वीडियोज़ को हमेशा देखते हैं और वो हमारी वीडियोस को लाइक भी करते हैं। तो इसी बात में गाइज मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके तरह आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए ओनीटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो गाइज जैसा कि मैं बता दूं कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है कि MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम कब तक देखने को मिलेगी, जिसका वर्जन है 9.5.23 की। इससे पहले हम लोग को 9.5.20 की अपडेट देखने को मिल गई थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने डेडिकेट वीडियो बनाई है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें हम लोगों को ग्लोबल बीटा में क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिली है गाइस, तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई है, लिंक आप लोग यहाँ ऊपर आई बटन देखने को मिल जाएगी, तो जाकर देख लेना। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ चाइना बीटा रोम में हम लोग क्या नए फीचर देखने को मिलने वाली है और हो सकता है ये फीचर्स हम लोगों को ग्लोबल बीटा में भी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो हम लोग को देखने को मिलती है ऐप वर्ल्ड में। देख सकते यहाँ पर ऐप वर्ल्ड में हम लोग को देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप चाहें तो खुद की यहाँ पर फोटोज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसे कस्टमाइज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज़ में जाना है और इस गियर आइकन पर क्लिक करके कवर इमेज में जाएंगे और यहाँ से आप तो रिमूव कवर इमेज कर देंगे, तो वहाँ से इमेज आप लोगों की रिमूव हो जाएगी और रिप्लेस ये कवर इमेज करेंगे तो आप लोगों को फ़ोन में जो भी इमेज है आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को शॉर्टकट्स में ऐप के शॉर्टकट्स देखने को मिलती है और यहाँ पर हम लोग को ऐप की सजेशन देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही आप लोग स्वाइप डाउन करेंगे तो जितने भी शॉर्टकट्स हम लोग हैं जो फ़ोन में देखने को मिलती है सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हो सकता है गाइस ये ऐप वर्ल्ड वाली फीचर हम लोग ग्लोबल बीटा रोम में भी जल्दी देखने को मिल जाए। अभी मैं अपने रेडमी नोट 7 प्रो की डिवाइस में चाइनीज बीटा रोम को यूज़ कर रहा हूँ। लोग अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में चाइनीज रोम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो लिंक आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग देख लेना। देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने चाइनीज रोम में होने के बावजूद भी प्ले स्टोर को अच्छी तरह अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और मैं गूगल सर्विस की सारी सर्विसेज को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं सेटिंग में ले जाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ डिस्प्ले में, तो आप लोगों को यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑलवेज ऑन मोड, ये जो फीचर्स आप देखने का हम लोगों को एम्बिएंट डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो कोई सा भी यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को यहाँ से कस्टमाइज करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अभी के लिए ये हम लोग रेडमी नोट 7 प्रो की डिवाइस में काम नहीं करती है, लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं इस फीचर्स को इनेबल करना, तो इसके लिए गाइज आप लोगों को इस MIUI वर्जन में मल्टीपल टाइम टैप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में और इस डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद गाइज एकदम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर इस टर्न ऑन ऑप्टिमाइजेशन जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप लोगों को इनेबल देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पर इसे डिसेबल कर देना, डिसेबल जैसे ही करेंगे गाइज उसके बाद आप लोग बैक करके जाएंगे डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में आप लोगों को यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप लोगों को प्रोफाइल मल्टीपल यूजर की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। अगर आप खुद डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो एज ए ओनर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन को किसी को देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग गेस्ट को ऐड करके अपने फ़ोन को वहाँ पर दे सकते हैं और जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेट करेंगे वही एप्लीकेशन और वही सेटिंग आपका वो लोग यूज़ कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे भी यहाँ पर गेस्ट मोड जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑन किया, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग की सभी जितनी भी फीचर्स थी एप्लीकेशन थी इंपॉर्टेंट वाली वो सारी रिमूव हो गई है। आप फिर से मल्टीपल यूजर में जाकर यहाँ पर रिमूव गेस्ट कर देंगे तो आपकी सारी पुरानी ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगी, तो आपकी डिवाइस फिर से आपकी हो जाएगी। और ये वाली फीचर्स की बात कर लेते हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को मी असिस्टेंट देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जैसा कि आप सबको पता है चाइना में गूगल की सर्विसेज बैन है, वहाँ पर कोई भी गूगल की एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, इसलिए चाइना में हम लोग को मी असिस्टेंट की फीचर देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पेशल फीचर में दिखा देता हूँ, तो मी AI की फीचर देखने को मिल जाती है जो बिल्कुल गूगल असिस्टेंट की तरह ही काम करती है, क्योंकि चाइना में हम लोगों को गूगल सर्विस नहीं है इसलिए मी असिस्टेंट की फीचर देखने को मिलती है। तो आप में से बहुत से लोग टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या सर्विस इंडिया में आने वाली है, तो गाइज इसकी उम्मीद बहुत कम है कि इंडिया में ये सर्विस हम लोग को देखने को मिलेगी।
इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ तो कैमरा देख सकते हैं आप लोग, अभी भी हम लोग कैमरा में लैग देखने को मिलती है, तो बीटा में भी लैग देखने को मिलती है और स्टेबल में भी लैग देखने को मिलती है, तो पता नहीं वाली फिक्स Xiaomi कब करेगा। इसके अलावा आप लोग चाइनीज रोम को भी अपने फोन में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग बीटा रोम को यूज़ करना चाहते हैं अपने रेडमी नोट 7 नोट 7 प्रो के डिवाइस में, तो ग्लोबल रोम अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग चाइनीज बीटा रोम को यूज़ कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप लोग मेरी उस वीडियो को जाकर देख लेना। अभी के लिए गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को बड़ा सा लाइक दे देना, बिल्कुल बड़ा सा लाइक दे देना, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, नोटिफिकेशन बिल को दबा दिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स की न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे।